Very good evening to all my lovelies. So today we'll be talking about a great historical woman. And it's none other than Rukaiya Begum. हाँ, वही रुकैया जिसको टीवी और फिल्मों के माध्यम से डार्क और गलत लाइट में दिखाया गया है. काफी शेडी कैरेक्टर उनका टीवी और सीरियल के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है, जिसमें वो काफी क्रूर, निर्दयी और जोधा और अकबर के बीच दूरियां पैदा करने वाली दिखाई गई हैं. लेकिन क्या ये सच है? इस बात में कितनी सच्चाई है और रुकैया असल में क्या थी? अकबर के जीवन में उनकी क्या वैल्यू रही है? वो थी कौन? उनकी पर्सनल लाइफ कैसी थी? क्या वो सच में इतनी निर्दयी थी? आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जरूर जानेंगे. तो वीडियो को अंत तक देखना जरूर भूले ना, और प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आप लोग जब देखते नहीं है, लाइक नहीं करते हैं, तो बहुत दुख होता है. तो आपको बता दें कि जो रुकैया थी वो एक बहुत ही ग्रेट वुमन थी मुगल सल्तनत की. आपने रजिया सुल्तान का नाम सुना होगा, आपने महरून नसा जिनको नूर महल या नूर जहां कहते हैं उनका भी नाम सुना होगा. लेकिन काफी हिस्टोरियंस को ऐसा लगता है कि रुकैया को वो रिकॉग्निशन या फिर वो जगह नहीं मिल पाई आज के समय में जितना कि रजिया सुल्तान या नूर महल को मिली है. हम लोग काफ़ी तारीफ करते हैं हिस्ट्री, अपने मध्यकालीन मिडिवल हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं कि रजिया सुल्तान काफ़ी डिटर्मिंड, काफ़ी पैशनेट वुमेन थी. नूर महल काफ़ी पॉलिटिकल अफेयर्स में अपने कोर्ट के काफ़ी एक्टिव पार्टिसिपेशन रहा है उनका, ये सब हम लोग जानते हैं. लेकिन क्या हम लोग रुकैया के बारे में ज़रा भी जानते हैं कि वो कितनी एक्टिव थी या फिर वो कितनी सही थी? आई एम श्योर हम में से आधे लोग नहीं ही जानते होंगे. तो आपको बता दें कि रुकैया जो थी शायद मुगल एम्पायर की ऐसी एम्प्रेस थी जो ना कभी भुलाए भूल सकती हैं और ना ही जिनको भुलाना चाहिए. वो लॉन्गेस्ट सर्विंग मुगल एम्प्रेस थी जिनका राज मुगल सल्तनत पे कुल 50 साल तक रहा है. चाहे पॉलिटिकल अफेयर्स रहा हो या दूसरे के बच्चे को पालना, रुकैया कभी पीछे नहीं हटी. तो आइए आज कहानी शुरू करते हैं रुकैया और अकबर की. थोड़ा बचपने में जान लेते हैं कि वो लोग कैसे थे. तो रुकैया जो थी वो अकबर की बहन थी. रुकैया के पिता हिंदल मिर्ज़ा और अकबर के पिता हुमायूं आपस में सगे भाई थे. अब हिंदल मिर्ज़ा यानी कि रुकैया के पिता जो थे वो हुमायूं के सबसे खासम खास भाई थे. हुमायूं सबसे ज्यादा प्यार या फिर सबसे ज्यादा लॉयल अगर किसी को जानते थे तो सिर्फ और सिर्फ हिंदल मिर्ज़ा को. और हिंदल मिर्ज़ा ने ये प्रूव भी किया था, काफी बैटल्स लड़े थे हुमायूं की तरफ से. यहां तक कि जब भी हुमायूं पे कोई आ जाता, हिंदल मिर्ज़ा आगे खड़े हो जाते कि मौत को उनसे पहले लड़ना होगा, फिर ही उनके भाई तक पहुंचना होगा. तो ऐसी ही एक अनफॉर्चुनेट इवेंट हुई जिसमें हुमायूं और हिंदल मिर्ज़ा अपने ही सौतेले भाई के साथ बैटल लड़ रहे थे. हुमायूं को बचाते बचाते हिंदल मिर्ज़ा ने अपनी जान दे दी. हिंदल मिर्ज़ा की तो मौत हो गई, मगर उसके बाद हुमायूं काफ़ी दुखी रहने लगे. उस वक्त अकबर और रुकैया काफी छोटे थे, सिर्फ 9 साल के थे. रुकैया के सर से पिता का साया उठ चुका था और इधर हुमायूं अपने सबसे चहीते, सबसे लॉयल भाई को खो चुके थे. हुमायूं को फील हुआ कि काफी इनजस्टिस किया गया है हिंदल मिर्ज़ा के साथ, काफी इनजस्टिस, काफी गलत हुआ है, और उनके जीते जी शायद जो हिंदल डिजर्व करते थे वो उन्हें मिल नहीं पाया. तो फिर हुमायूं ने एक फैसला लिया कि क्यों ना अकबर और रुकैया की शादी करवा दी जाए. ये जानने कि अकबर और रुकैया सिर्फ 9 साल के थे उस वक्त, और जैसा कि मुस्लिम में कल्चर होता है कि अपने ही भाई बहन से, दूर दराज के भाई बहन से शादी करवा दी जाती है क्योंकि वो लोग वो ज्यादा सही समझते हैं. तो बस ऐसे ही अकबर और रुकैया की शादी करवा दी गई.
शादी के बाद हिंदल मिर्जा की जितनी भी जायदाद थी सब रुकैया और अकबर के नाम कर दी गई। हुमायूं ने भी अपने तरफ से जितने भी उनकी जागीर, जमीन, सोने चांदी सब कुछ अकबर और रुकैया के नाम कर दिए। अब अगर थोड़ा बात करें रुकैया के पर्सनल लाइफ की, तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि अकबर अनपढ़ थे, वो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, लिखना तो दूर वो पढ़ना भी नहीं जानते थे। लेकिन रुकैया के साथ ऐसा नहीं था दोस्तों। मुगल सल्तनत में उस वक्त एक चलन था कि वहां की राजकुमारियां जो थीं, उन्हें एक से ज्यादा भाषाएं सिखाई जाएं, ऐसा मानना था। तो बिल्कुल वैसे ही रुकैया भी काफी पढ़ी लिखी, समझदार और बुद्धिमान महिला थी। उन्हें चगताई, पर्शियन, अरबिक, हिंदू, उर्दू, ये सारी भाषाएं आती थी। काफी वेल एजुकेटेड और वेल रेड आज के लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो वो थी रुकैया। अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देना कभी वो भूलती नहीं थी। काफी समझदार थी वो। कोर्ट में जितने भी पॉलिटिकल अफेयर्स होते थे उनको काफी ढंग से मैनेज करना रुकैया जानती थी। कई बार ये ऐसा होता था कि कोर्ट की इकोनॉमिक और पॉलिटिकल अफेयर्स रुकैया खुद अकेले सिंगल हैंडेडली मैनेज कर लेती थी, जिसके बाद अकबर ने उनकी समझदारी देखते हुए उन्हें पदशाह बेगम का नाम दिया। अब अगर बात करें रुकैया की, तो वो कभी माँ बन सकती तो नहीं थी। उन्होंने हालांकि अपने लाइफ में दो ट्विंस को जन्म दिया था जिनका नाम हसन और हुसैन था, मगर वो बच्चे सरवाइव नहीं कर पाए थे। उसके बाद उन्होंने एक बेटी को भी जन्म दिया मगर वो भी बची नहीं। तो रुकैया कभी अपने पेट से माँ तो नहीं बन पाई, मगर हाँ, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उन्होंने बच्चे को नहीं पाला। अब जो प्रिंस सलीम थे, जिनको हम लोग जहांगीर कहते हैं, वो अकबर के बेटे थे। अकबर की दूसरी पत्नी से जहांगीर जन्मे थे। वो जोधा बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि सीरियल के माध्यम से हमें दिखाया गया है कि सलीम ही जोधा की माँ है, जब सलीम ही जोधा के बेटे हैं, जो कि यह सच नहीं है। सलीम किसी और ही रानी के बेटे थे जिनका संबंध था अकबर से। तो सलीम की जब शादी हुई गुसाई नाम की लड़की से, तो गुसाई के पेट में जब बच्चा आया तो एक मौलवी ने तभी प्रेडिक्ट कर दिया कि आने वाला बच्चा मुगल सल्तनत का सबसे नामी गिरामी राजा होगा, जिसका नाम लोग वर्षों वर्षों तक याद रखेंगे। और दोस्तों, वो कोई और नहीं, शाहजहां ही था। गुसाई के पेट में कोई और नहीं, शाहजहां, जिसको बचपने में प्रिंस खुर्रम कहते थे, वही आने वाले मुगल सल्तनत के नामी गिरामी राजा होने वाले थे। अकबर को ये जैसे ही पता चला, उन्होंने एक फैसला लिया। अकबर भली भांति जानते थे कि रुकैया मुगल सल्तनत के वारिस को पालना चाहती है, मगर रुकैया कभी मां नहीं बन सकती थी। लेकिन उनका ये सपना पूरा करने के लिए अकबर ने एक फैसला लिया कि क्यों ना आने वाले मुगल सल्तनत के इस वारिस को रुकैया के छत्र छाया में रहने के लिए भेज दिया जाए। रुकैया की बुद्धिमत्ता और समझदारी अगर इस होने वाले बच्चे को मिलेगी तो शायद सच में वह जन्मों जन्मों तक याद रखा जाए। तो बस अकबर ने यह ऐलान किया कि जैसे ही शाहजहां 6 साल के होंगे उन्हें रुकैया के पास भेज दिया जाएगा। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। जब शाहजहां 6 साल के हुए तो उन्हें अपने माँ गोसाई से दूर रुकैया के पास भेज दिया गया, जहाँ पे रुकैया ने उन्हें अच्छे से खूब पढ़ाया लिखाया। रुकैया उनके लिए स्वेटर बुनती थी, कपड़े बुनती थी, और वही शाहजहां पहनते थे। रुकैया और शाहजहां का ऐसा रिश्ता था जिसको माँ बेटे से भी ऊपर का नाम दिया गया है। जहांगीर, जो कि शाहजहां के पिता थे, वे खुद कहते थे कि शायद रुकैया अपने भी बेटे से उतना प्यार प्रेम नहीं कर पाती जितना उन्होंने शाहजहां से किया है। कई साल रुकैया के साथ रहने के बाद जब शाहजहां 14 साल के हुए तो उन्हें वापस अपनी माँ गुसाई के पास भेज दिया गया। रुकैया जो थी, जैसे कि मैंने आपको बताया, शी वॉज द लॉन्गेस्ट सर्विंग मुगल एम्प्रेस,
50 साल तक मुगल सल्तनत पे उन्होंने राज किया। अगर अब बात करें रुकैया और अकबर के रिलेशन के बारे में, तो ऐसा माना जाता है और ऐसा कई हिस्टोरियंस क्लेम करते हैं कि अकबर जब अपने 60s में थे तो उन्हें ऐसा फील होने लगा था कि शायद उन्होंने कई हजार रानियों से शादी करके बहुत गलती कर दी और शायद सिर्फ रुकैया अगर उनके साथ होती तो बात ही कुछ और रहती। हालांकि ये भी एक सच है कि अकबर ने अगर शादी की तो वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल अलायंस और दया करके की। उसके अलावा किसी भी औरत से रुकैया के अलावा अकबर ने प्रेम में शादी नहीं की, उन्हें किसी और से प्रेम था ही नहीं। टीवी के माध्यम से हमें जरूर दिखाया गया है कि जोधा अकबर का प्रेम हुआ बाद में, लेकिन ये सच नहीं है दोस्तों। जोधा से उनकी शादी सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल अलायंस थी और जोधा को तो वो उनके जीवन में उन्होंने वो स्थान कभी दिया ही नहीं जो रुकैया का था। तो ऐसे ही रुकैया जो थी अकबर की बेगम एक खास थी। जब अकबर और जहांगीर जो कि अकबर के बेटे थे उनमें नहीं बनी, तब रुकैया ने आगे बढ़ के कमान संभाली और अपने पति और बेटे के बीच संयम बैठाने की जिम्मेदारी भी उन्होंने ली। जब वो 84 साल की थी तो उन्होंने दम तोड़ दिया और उनके पिता और उनके दादाजी के बगल में हिंदल मिर्जा और बाबर के बगल में उन्हें गाढ़ा गया, जो कि आज काबुल अफगानिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, ये थी सच्चाई रुकैया बेगम की। काफी गलत, काफी डार्क और काफी क्रूर निर्दयी तरीके से उन्हें टीवी सीरियल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया गया है, लेकिन हमेशा जरूरी नहीं है जो दिखे वही सच है। अगर आप हिस्ट्री में डीप में जाएंगे तो आपको पता चलेगा काफी कैरेक्टर्स जो लोगों तक गलत लाइट में पहुंचाए गए हैं काफी सही थे। अब जैसे कि हम लोग शाहजहां को जानते हैं कि उन्होंने ताजमहल बनवाया, उन्होंने ये किया वो किया, तो जरूरी ये भी नहीं कि शाहजहां एक बहुत ही अच्छे रूलर थे। उनके भी बारे में हम लोग बात करेंगे एक एक करके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया रुकैया के बारे में तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तब तक के लिए धन्यवाद।